अक्सर स्टूडेंट समझते हैं कि जो पल्स होती है इसकी जो वैल्यू होती है वो और हार्ट रेट, ये दोनों सेम होते हैं, यानी कि जितना हार्ट रेट होगा उतनी ही पल्स होगी। तो जो पल्स की साइट है वो भी इस बात को डिफाइन करती है कि क्या इनकी वैल्यू सेम होंगी या नहीं होगी। हार्ट रेट किसे कहते हैं, तो एक जो दिल है वो एक मिनट में कितनी बार कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है या रिलैक्स हो रहा है, तो उसके हिसाब से हार्ट रेट जो है वो काउंट किया जाता है, उसकी एक वैल्यू सामने आती है। और जो पल्स होती है वो भी एक मिनट में ही काउंट की जाती है कि एक मिनट में कितनी वेव्स जनरेट हुई हैं वेसल्स के अंदर। अब जो साइट होती है पल्स की वो डिटरमिन करती है कि क्या हार्ट रेट और पल्स रेट ये सेम होंगे या नहीं। अगर तो पल्स आप फील कर रहे हैं कैरोटिड पल्स या ब्रेकियल पल्स जो कि हार्ट के करीब तरीन हैं, तो वो उनकी वैल्यू जो है वो हार्ट रेट के इक्वल हो सकती है अगर दरमियान में कोई ब्लॉकेज वेसल में ना हो तो। लेकिन जो या जो दूर की पल्सेज हैं जो पेरिफेरीज में हैं, जैसा कि फिमरल है, पॉपलीटियल है, डोर्सल स्पीडिस वगैरह हैं, तो अगर आप उन साइट्स पर चेक करते हैं तो वहाँ पे हो सकता है कि पल्स की जो स्ट्रेंथ है कम हो जाए और आपको वो वैल्यू कम मिले। हार्ट ने मसलन कॉन्ट्रैक्ट किया और वो कॉन्ट्रैक्शन होने के बाद उसका तो रेट काउंट हो गया, लेकिन वो जो उसके अंदर से हार्ट के अंदर से ब्लड इजेक्ट हुआ और वो पूरी बॉडी में फिर सर्कुलेट हुआ, तो उस सर्कुलेशन को पेरिफेरीज तक पहुँचने पहुँचते स्ट्रेंथ है वो कम हो जाए, और इस तरह से जो है वो आपको पल्स जो है जो पेरिफेरीज में होती है वो कम फील होती है। और मिसाल के तौर पर जो हार्ट रेट है वो है 100, एक पर्सन है, एक पेशेंट है, उसका हार्ट जो है वो उसने 100 टाइम्स कॉन्ट्रैक्ट किया है और 100 टाइम्स ब्लड हार्ट में से इजेक्ट हुआ है, तो वो ब्लड इजेक्ट होने के बाद पूरी वेसल्स में वो सर्कुलेट कर गया है और एक वेव सी जनरेट हुई है, उस वेव को हम पल्स कहते हैं। तो वो पल्स जब आप मसलन फील कर रहे हैं फिमरल, तो उसकी वैल्यू जो है वो फिमरल तक पहुँचते पहुँचते कम हो जाए और वो आपको वहाँ पर 90 फील हो रही हो, 90 टाइम्स आप काउंट कर रहे हो। और अगर आप थोड़ा सा आगे मजीद जाएँ पॉपलीटियल चेक करें तो उस टाइम आपको 85 या 88 फील हो रही हो। तो इस तरह से जो पल्स है उसकी वैल्यू जो है वो डाउन हो जाती है अलॉन्ग द लेंथ ऑफ पेरी वेसल्स। अलबत्त अगर आप उसी पल्स को कैरोटिड में चेक करें तो वो फिर आपको जितना हार्ट रेट होगा उतनी ही पल्स आपको फील होगी, क्योंकि ये हार्ट के इंतहाई करीब हैं, जितनी हार्ट में से हार्ट ने कॉन्ट्रैक्ट करके ब्लड को इजेक्ट किया है उतना ही आपको पल्स फील हो रही है।